कोकर के सब्जी मार्केट में हैं, और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं कोकर चौक, वहाँ पे हमारे परम मित्र लोग वहाँ पे हैं खड़े, तो उन लोग को उठाएंगे, वहाँ से उठाए जाएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर कहाँ जाएंगे ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। रांची में लगभग रांची पूरी घूम चुके हैं हम लोग, तो पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जाने के बाद मालूम चलेगा। हो सकता है या तो वो लोग कुछ सेट करके रखा होगा या वहाँ से डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। फिलहाल तो हम रोड पे हैं और काफ़ी गर्मी है, लेकिन गाड़ी में एसी है तो थोड़ा सा फ़ायदा है कि हम लोग उतना ज़्यादा नहीं बुझा रहा है, क्योंकि हम लोग तो घुमंतु वाला जीव है, जीव जंतु है, घूमने वाले जीव जंतु। देखो मार्केट में वो तारकुन आया है, पता है तारकुन? हाँ, मार्केट में तारकुन आ गया है, और ये वाला इस समय का सीजन बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा आम आता है, आम है, तरबूज आता है, खरबूजा आता है जो मेरा फेवरेट है, उसके बाद कटहल का सब्जी बनाओ इतना अच्छा से। लेकिन सबसे मजे की बात क्या जानते हो? क्या? जब किसी भी शादी में जाओ या किसी भी फंक्शन में जाओ, तुमको अभी क्या मिलेगा पता है? परवल आलू की सब्जी। परवल आलू की सब्जी वो मैंडेटरी है, वो तो कोई भी सीजन में मिलेगा। नहीं, लेकिन अभी के सीजन में, क्योंकि परवल अभी सस्ता भी होता है और अच्छा भी आता है, तो इधर जहाँ भी तुम शादी में जाओगे या किसी फंक्शन में जाओगे, परवल का सब्जी तो मिलना ही है। हम लोग आ गए हैं कोकर चौक पे, यहाँ पे हमारी मुलाकात होगी दीपांशु और प्रेमा से, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हम लोग के, कॉमन फ्रेंड सिंस 2009, जब से मैं MBA किए थे। प्रेमा से 2005 से। हाँ, प्रेमा से तुम्हारी दोस्ती 2005 के लिए। हम इस साइड ही होना चाहिए दीपांशु के हिसाब से, ये तो लग रहा है छमी है, कौन है? आ गए हम लोग, बता रहे थे ना अभी हम लोग दोबारा शिकायत कर रहे थे, उधर हम लोग तो हम लोग आ चुके हैं, हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं पता नहीं, जहाँ चलेंगे अभी हम लोग। अरे हम नहीं चला रहे हैं साला, रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का सौकर बैठ गया लगता है।
ब्रोकन ट्री, तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है बीच में, लेकिन अगर आप सिकंदरी रोड में आएंगे तो सिकंदरी रोड में लगभग 6.5 किलोमीटर दूर आपको आना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको एक टर्न लेना है जो दाएं तरफ टर्न होगा, वहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपका द ब्रोकन ट्री है ये जगह। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह एक्चुअली बहुत सुंदर है और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा जगह है, और बगल में पानी वानी भी है, लेकिन बहुत शांत जगह है। तो अगर आप आते हैं तो अकेले नहीं आएँ, तो लोगों के साथ आएँ, ताकि यहाँ पे थोड़ा आपको और लोगों के साथ एक थोड़ा सा कंफर्टेबल बन पाएंगे आपके, यहाँ पे इतना सुना जगह है। तो देख रहा हूँ, अच्छा जगह, धूप भी कम ही लग रहा है, गर्मी वैसा नहीं लग रहा ना भाई। इस चीज़ को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, ये जो ऐसे फेंका हुआ जगह, इतना सुंदर जगह में सब जगह बोतल वगैरह फेंका हुआ है, तो ये गलत चीज़ है। माना कि जगह वैसा है, इसका मतलब नहीं कि सब वैसा काम कर ही लो। तो ये हम लोग घूम रहे हैं खूबसूरत जगह में, भैया भी मोटर चलाएंगे लग रहा है ना लेंगे। अरे वहाँ कबू बगुला सब भी, कितना अच्छा है, कहाँ बीच में ना। हाँ हाँ गंगरा है, दीपांशु बोला सही बोला, गांव का आदमी हूँ। लोग यहाँ देख चुके हैं, यहाँ पिकनिक बनाने के लिए अच्छा स्पॉट है, लेकिन मतलब ऐसा भी जगह नहीं है जहाँ पे आप ज़्यादा फन कर सकें, क्योंकि थोड़े कुछ गांव के भी लोग हैं और थोड़ा शांत एरिया भी है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह ज़्यादा सिक्योर नहीं है, फ्रेंड्स के लिए ठीक ठाक है क्या। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कहीं और चलते हैं। देखो कहाँ चलेंगे हम लोग, क्रोकोडाइल पार्क है कहीं पे, अभी हम लोग वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ का सीन दिखाते हैं, इसी ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, और जगह तो काफ़ी अच्छा है, बीच में लोग हिरन भी दिखा था, लेकिन और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोकेशन काफ़ी प्यारा है, लेकिन इसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। तो हमारी ये अपील है कि इतना अच्छा जगह में जब इतना रुपये खर्च किया गया है, तो इसको भी अच्छे ढंग से बनाना चाहिए, ताकि यहाँ भी लोग आ सकें।
इधर कोई है वहां पे? ये बंद हो गया क्या भैया? और मांझी जी, तो अब सब और मांझी में चला गया? कितना अच्छा जगह है, और सोचो ना यार, अगर शाम सुबह में हाँ और नहीं दिखा ये टूटा फूटा मगरमच्छ दिखा, लेकिन थोड़ा बुरा लगा। कैसे चल रहा है देखो देखो। तो यहाँ पे कुछ बचे कुचे हिरन है वो दिख जाएंगे, ऐसे बाकी हिरनी लोग है मेरे पास। एक येलो कलर की हिरनी है और एक ग्रीन कलर की हिरनी है, बाकी दो चपंडुक भी दिख जाएंगे। हाँ काफी अच्छा हिरन है यार, बारह सिंह है ना ये तो? पीछे में है ना? सनी देओल ऐसा कहे चल। इन खूबसूरत वादियों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये इतना खूबसूरत जगह है, इसको और डेवलप करना चाहिए। तो खैर हम अपने सफ़र को आगे लेके चलते हैं और मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में। और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल SRB क्रिएटिव लाइफ को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।